तो गाइस जो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ये 9 वोल्ट की बैटरी होती है जो कि एकदम फुली जो ख़राब हो जाती है 9 वोल्ट की बैटरी और हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, उससे हम ये कनेक्टर किस तरीके से बना सकते हैं 9 वोल्ट का कनेक्टर। इसकी जो कॉस्ट रहती है इस कनेक्टर की वो मार्केट में ये 10 रुपीज़ का मिलता है और ये बैटरी 20 रुपीज़ या 15 रुपीज़ की मिल जाती है। तो हम इसे ना फेंकते हुए इससे हम कनेक्टर बना सकते हैं कुछ इस तरीके का, आप देख पा रहे होंगे। इसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बैटरी इस तरीके से ले लेनी है और इस तरीके से सीजर लेनी है और इस तरीके से घर में ये पिन होती है, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको इसमें इस तरीके से करने हैं, इस तरीके से खोल लेने हैं आपको, इस तरीके से इजीली खुल जाती है। ओके, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली हमने इस तरीके से इसे निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, एक प्लायर लेने हैं और प्लायर की मदद से इसे आपको पकड़ लेने हैं इस तरीके से और फिर आपको इस तरीके से खींच लेने हैं। इस तरीके से आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस तरीके से। सो आपको निकाल लेना है ये इस तरीके से घुमा के, आपको निकाल लेना है इस तरीके, तो ये इजीली निकल जाएगा। और आपको एकदम सावधानी से करना है, कहीं आपके हाथ वाथ कटे ना। ओके, तो इस तरीके से आप इसे इजीली कर सकते हैं, यानी फिर आप बड़े की सहायता ले सकते हैं और आप इसे इजीली थ्रो कर दीजिए। तरीके से आपको इसे पूरा निकाल लेना है। तो वैसे इस तरीके से ये निकल चुका है, देख पा रहे होंगे, इसे हमने निकाल लेना है इस तरीके से। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस कनेक्टर की। ये है इधर में एक कनेक्टर। आपको क्या करना है, कटर की मदद से इस कनेक्टर को काटना है। ऐसे इस कनेक्टर को इस तरीके से काट लेता हूँ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारे पास कनेक्टर आ चुके हैं। आपको ये काम बड़ी ही सावधानी से करना है, कनेक्टर को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैंने एकदम बड़ी ही इजीली इस काम को कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे, एकदम मस्त तरीके से आपको कर लेना है कनेक्टर है। ओके, क्या करना है गाइस, इस बैटरी का पीछे वाला मीन्स इसे अभी आपको फेंकना नहीं है, इस बैटरी का पीछे वाला जो हिस्सा ऐसा आपको निकालना है, उस पूरा हम इसे छील लेते हैं। दोस्तों फाइनली हमने इसे निकाल लिया है इस तरीके से, देख पा रहे होंगे। अब आप अभी वेस्ट है, अब आप इसे इजली फेंक सकते हैं। तो इसके अंदर से ये बैटरी निकली है जो कि फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी है। ओके, तो देख पा रहे होंगे आप, फुल्ली डिस्चार्ज है ये, इस तरीके से इसके अंदर ही होते हैं। यह हमारा किसी काम का नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर चीज़ होती है। ओके, तो आप इसे फेंक सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको वायर्स लेने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वायर ले रहे हैं और हम इसे इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं इस तरीके से। इधर से हम कटर की मदद से इजली कट कर देंगे और अब हम इसे छील लेते हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, आप इसे इजली छील लीजिएगा। ओके, और अब हम इसे पीछे से भी छील लेते हैं। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स में आपको शोल्डरिंग करनी है। शोल्डरिंग करने से पहले आप थोड़ा सा फ्लक्स लगा दिए जिससे कि अच्छे से शोल्डरिंग हो और जब आप वायर खींचो तो इजीली वो बाहर ना आ सके। तो इस तरीके से मैं इजीली थोड़ा सा फ्लक्स लगा देता हूँ और आपको वायरों में भी थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेना है। ओके, जिससे कि अच्छे से वायरों पर भी शोल्डरिंग हो जाए। ओके, तो गाइस आपको अलग अलग कलर का वायर लेना है जिससे कि इजीली पता चल जाए कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस। लॉकडाउन के चलते मुझे वायर नहीं मिल रहा था तो मेरे पास टुकड़े पड़े हुए थे तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको शोल्डरिंग एकदम अच्छे से करनी, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर शोल्डरिंग किस तरीके से करनी है। दोस्तों अब मैं आपको शोल्डरिंग करके दिखाता हूँ, ये शोल्डरिंग आयरन। और अब आपको एकदम अच्छे से इसमें शोल्डरिंग कर लेनी है, एकदम टिकाऊ शोल्डरिंग हो।
तो इस तरीके से आप इसमें इजीली शोल्डरिंग कर दीजिए। ओके सबसे पहले इस तरीके से कर दीजिए आप एंड फिर इजीली इसमें शोल्डरिंग हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको एकदम अच्छे से शोल्डरिंग कर लेनी है। अब मैं दूसरे में भी करके दिखाता। ओके दोस्तों, इसलिए आप शोल्डरिंग कर लेना इसमें। मैंने यहाँ पे एकदम प्रॉपर शोल्डरिंग कर दी, आपको भी एकदम अच्छे से इसमें शोल्डरिंग कर लेना है गाइस। ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से आप एकदम इजी निकलने वाले हैं कि, यानी तो आप अगर आ गया शोल्डरिंग पेस्ट नहीं तो उससे पहले आप रब भी कर सकते हैं। इसे रब करके एकदम मस्त शोल्डरिंग हो जाएगी। अगर शोल्डरिंग पेस्ट नहीं अभी इजली नहीं निकलेगा एकदम फुली, अगर आप रब भी कर लेना जिससे कि ना निकले। ओके, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको जो एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है उसे आपको कटर के अंदर से कट कर लेना है इस तरीके से। ओके, फिर जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचे है उसे आप इस तरीके से करके प्लायर से दबा दीजिए कुछ इस तरीके से। आपको ध्यान रखना है कि जो पीछे कनेक्टर है उसे कोई नुकसान ना हो इसे। ओके, तो इस तरीके से इजीली मैंने इसे दबा दिया है। आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से इसमें फिट करना है। ओके, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, बहुत ही इजीली मैं आपको बताऊंगा सब कुछ पूरी डिटेल्स। तो देख पा रहे होंगे कि आप तार मोटे हो रहे तो इस तरीके से आ रहा नहीं, आप क्या करें। ओके, तो दोस्तों क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको वायरों को इस तरीके से खींच लेने हैं जिससे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो जाए इस तरीके से। देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपको खींच लेने हैं जिससे कि इजीली फिट आ जाए। ओके, इस तरीके से इजीली हो जाएगा। एंड गैस, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो उस गैस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता हूँ। तो इस तरीके से आपको कर देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसमें ग्लू भर लेना है, ग्लू गन ग्लू इसमें एकदम, आपको इसमें थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से इसमें भर लेना है। ओके, इस तरीके से। एंड गैस, अगर आपको नहीं पता है कि ग्लू गन के अंदर क्या होता है तो गैस इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कि ग्लू गन के अंदर क्या होता है। ओके, एंड गैस सब्सक्राइब कर दीजिए, तरीके से आपको ऐसे ही आपको इस चैनल में इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से आपको एकदम प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करनी ग्लू भरने में, एकदम अच्छे से ग्लू भर देने हैं। और अब आपको इस कनेक्टर को इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेना। ओके, इस तरीके से अभी जो एक ग्लू बाहर आ रहा है अभी आपको इसे सूखने देने बताऊँगा क्या करना है आपका। ओके, तो इस तरीके से आप इसे कर लीजिए। ओके, ओके, तो गैस आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। अभी आपको थोड़ा सा इसे सूखने देने हैं, फिर इस बाहर वाले ग्लू को आप कट करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा सूखने के लिए रख देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, फेविक्विक लेने हैं के और इसके किनारों में चिपका लेने हैं जिससे कि इसकी मजबूती ज़्यादा हो जाए और ये एकदम अच्छे से चिपक जाए इस तरीके आके। तो मैं इसे अच्छे से कर लेना, आप ऐसा कर भी सकते नहीं भी, मैं इसे और ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए इसे कर रहा हूँ। ओके, तो आप कर भी सकते नहीं भी की चॉइस है, तो इस तरीके से आपको इसे चिपका लेना है। एंड ये हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इसे इजीली बना सकते हैं। एंड गाइस, जो ये ग्लू गन का वेस्ट है इसे आपको फेंकना नहीं, इससे आप दोबारा से ग्लू स्टिक बना सकते हैं। इसका मैंने वीडियो चैनल पर डाला है, इस तरीके से आप इस ग्लू स्टिक की मदद से, ग्लू स्टिक के वेस्ट की मदद से इस तरीके का आप ग्लू स्टिक बना सकते हैं। तो ग्लू स्टिक के वेस्ट को फेंकेगा नहीं, इसे कलेक्ट करिए और आप भी इस तरीके का ग्लू स्टिक बना सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि ग्लू स्टिक कैसे बनाते तो इसका वीडियो मैंने चैनल पर डाला है, आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। अब मैं इसे आपको टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भी है मेरे पास एक एलईडी और मैं आपको एलईडी ग्लू करा के दिखाता हूँ ये टेस्ट कर रही है या नहीं। तो अब मैं आपको जितना करता हूँ तो गाइस ये एलईडी ग्लू कर रही है और एक काम भी कर रहा है। ओके, तो हमारा कनेक्टर एकदम सक्सेसफुली काम कर रहा है, एकदम बाजार का जैसा कनेक्टर लग रहा है। ओके गाइस,
आप ये वाला वायर यूज़ करिए, क्योंकि इससे इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा प्लस वाला है कौन सा माइनस वाला है। लॉकडाउन के चलते मुझे वायर नहीं मिला था, तो मैं ये वाला वायर यूज़ किया मैंने। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।